लखनऊ गलौटी कबाब। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गलौटी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं बता देती हूँ आपको। मैंने लिया है 1 kg मिंस मीट, ये मैंने चिकन का लिया है, आप बीफ और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 2 tablespoon बटर लिया है, इसे मेल्ट कर लिया है मैंने। हाफ बाउल जो है मैंने इसमें प्याज लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक आप इसको चॉप करिएगा। हमने हरा धनिया लिया है तकरीबन हाफ प्याली, और 1 tablespoon ग्रीन चिलीज लिए, उनको बारीक काट लिया है। 2 tablespoon पपाया पेस्ट है ये, इसमें से पानी देख निकाल दीजिएगा अगर आपका पानी में हो तो, ये बिल्कुल ड्राई सा होना चाहिए कि पानी ना हो। इसी तरह हम दही लेंगे 1 tablespoon विदाउट वाटर। ये हमारा गलौटी कबाब मसाला है जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हम लेंगे 2.5 tablespoon भर के, उसके अलावा 2 tablespoon ब्राउन प्याज है, 1 cup हमने बेसन लिया है, ये ड्राई रोस्टेड बेसन है। जब भी आप बेसन को भूने रोस्ट करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्राई पैन आपका अच्छा सा क्लीन हो, और जब भी आप उसको भूनें तो हल्की आंच रखिए और ड्राई स्पून उसमें यूज़ करिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें के अंदर चिकन के अंदर बटर मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो है 1 tablespoon हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम सारे मसाले अपने डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर 1/2 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर मिक्स कर दीजिएगा। मैंने मसाले में चिल्ली पाउडर मिक्स किया हुआ है इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है एडिशनल। और सॉल्ट भी हम मिक्स करने के बाद सॉल्ट चेक कर लेंगे, अगर हमें सॉल्ट कम लगेगा तो हम इसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हाथ आपके अच्छे से वॉश हुए हुए हों। और इसके बाद मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह मैं 2 hours के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये मैरिनेट हो गया है 2 hours। अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। मैं इसके जो है शामी कबाब के स्टाइल में बना रही हूँ, टिकिया स्टाइल में। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं, जिस शेप में भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह, ये मैंने कबाब बना रही हूँ सारे। और मैंने ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया है। ये ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसकी आँच जो है वो मीडियम कर दूंगी। मीडियम से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही रखी है, बहुत कम नहीं करिएगा क्योंकि कबाब बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इसमें कच्चा पपीता लगा होता है इसलिए गल भी जल्दी जाते हैं, टाइम नहीं लेते। ये देखिए, ये मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए कबाब। अब मैं इन्हें दोनों, जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे ब्राउन, तो फिर मैं इसको पलट दूंगी दूसरी साइड पे। और बार बार इसको मत पलटिएगा वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, ये एक साइड से ब्राउन हो गए क्योंकि आपको साइडों से नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि पीछे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फिर इसको निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने डिश में निकाल लिया है और इसको आप सैलेड, चटनी और रायते वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।